हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ संजय गोयल हेयर स्टूडियो क्लिनिक से, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो हम लोग हेयर पैच यूज करते हैं। कुछ लोग ना जैसे दूर रहते हैं, वहाँ पे उनके पास सर्विस सेंटर नहीं है जहाँ पे वो अपनी सर्विस करवा सके हेयर की, तो आज मैं उनको सेल्फ सर्विस के लिए हेयर पैच पर टेप लगाना बता रहा हूँ। तो किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले तो आप अपना पैच जो है उसको क्लीन कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, और जो क्लीन करना है कैसे करना है उसके लिए एक अलग वीडियो है, उसमें देखना। जैसे ये हेयर पैच है, हमने क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद अब इसमें हमें ये पता करना है कि इसमें फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा है। तो सबसे पहले हम स्टिकर देखेंगे, जो लोगो होता है कंपनी का वो हमेशा पीछे होता है, तो इससे समझ में आ जाएगा कि ये बैक है, बाकी ये वाला फ्रंट है। और सेकेंडली इसमें एक देख रहे, ये मिडिल पॉइंट होता है जिसको हम लोग भवरा बोलते हैं, रियल हेयर में भी होता है वो। तो ये जो भवरा है ना, ये पीछे की तरफ होता है, आपने देखा होगा यहाँ की तरफ होता है। तो जब भी ये भवरा पीछे की तरफ रहे ना, तो ये आगे वाला फ्रंट है दूसरा। और तीसरा इसमें ये देखाते हैं हम लोग कि जो फ्रंट है उसमें हल्की सी जाली होती है ब्लैक कलर की, जिससे कि जब आगे हम हेयर लुक बनाते हैं ना तो प्रॉपर तरीके से लुक दिखे, मतलब ऐसा ना लगे कि हेयर पैच लगा रखा है, इसलिए एक हल्की सी जाली होती है ब्लैक कलर की, तो वो फ्रंट में होती है। और चौथा ये चीज़ भी बता दूं मैं आपको कि अगर आपका पैच है तो जहाँ पे वी से बन रहा है वो फ्रंट होता है वी से, और जहाँ पे राउंडिंग हो रहा है ना वो होता है बैक। तो अब हम इसको, इस पीस को ना, सबसे पहले तो हेयर को इसको क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद इसको हम जो पट्टी है इसको सुखा लेंगे। सुखाने के बाद फ्रंट को हम अपनी तरफ रखेंगे इस तरीके से, अपने घुटने पे, और एक सीजर लेंगे, और टेप आपको लेनी पड़ेगी क्योंकि बिना टेप के तो टेप लगेगी नहीं। तो इस तरीके से हम छोटा छोटा टेप काटेंगे, छोटा हिस्सा काटा, और अब देखेंगे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फ्रंट का जो लास्ट का खत्म हो जाता है, मैंने मार्कर लगाया है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टेप लगाना। तो आप देखिए प्रॉपर तरीके से कैसे टेप लगाते हैं। जैसे हमने अपने इसको घुटने में रख लिया, और इसको हमने उतना ही राउंड काटा जितना हमें जरूरत थी, तो इस तरीके से हमने काट लिया। और इस जगह पे इस तरीके से पकड़ेंगे दोनों उंगलियों से, और इस तरीके से लगा देंगे। इसके साथ साथ देखिए बेसिकली टेप ऐसी लग गई है। अब इसमें क्या है ना कि 1 mm यहाँ पे गैप छूटना चाहिए आगे, अगर गैप नहीं छूटेगा तो जब हम हेयर पैच लगाएंगे तो आगे से विजिबल होगी व्हाइट कलर की टेप, तो हमें 1 point अंदर रखना है, 1 mm। देख लीजिए 1 mm इतना होता है, इतना अंदर करते करते ना पूरा राउंडिंग सेम में ले जाना है। सबसे पहले तो हम बैक में लगाएंगे टेप इस तरीके से, एक दो बार करेंगे तो प्रैक्टिस आ जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा ज्यादा राउंडिंग थी, मैंने ज्यादा की, और जो दूसरी टेप है ना इसके ऊपर थोड़ा सा लगाएंगे और इसको कर देंगे ओवरलैप, जिससे क्या होता है कि पूरी टेप एक दूसरे में आराम से जिकड़ लेती है और परफेक्ट तरीके से चुपकी रहती है, एक दूसरे का सहारा मिल जाता है। ओवरलैप करते चलेंगे इस तरीके से, साथ साथ में हम इसको ओवरलैप करते चलेंगे इस तरीके से। जहां पे जितनी राउंडिंग है हमें उसी हिसाब से ही टेप को कट करना है। यहां पे थोड़ा कम राउंडिंग थी तो मैंने कम राउंडिंग की। अब आप देख रहे हो ना फिनिशिंग इसकी, बिल्कुल पूरी जगह टेप ना 1 mm का गैप आया है। अगर आपकी फिनिशिंग अच्छी है, धीरे धीरे करते करते प्रैक्टिस से ही आएगी, तो इस तरीके से फिनिशिंग से टेप लगेगी। अगर फिनिशिंग से टेप लगी तो अच्छी तरीके से होल्ड करके रखेगी। और वैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो हेयर क्लिनिक है उनको टेप भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, तो डोंट वरी, आप ये वीडियो देख लीजिए और सीख लीजिए किस तरीके से टेप लगाते हैं, तो प्रॉपर फिनिशिंग आई ना इस तरीके से। अब हम ऐसे ही फ्रंट में ले जाके करेंगे।
अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा राउंडिंग नहीं है ना, तो हल्का सा साइड करके नाप लेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी थी, अब मैंने लगाई, देखो देखिए यहाँ पे भी 1 mm का गैप आया और यही फिनिशिंग चाहिए। अब क्या करेंगे, जो राउंडिंग है आगे का, इसमें पूरी यहां से लेके यहां तक एक ही टेप लगानी है। ये नहीं कि आप यहाँ पे ये वाली यहाँ पे ले जाएंगे ना, तो यहाँ पे अगर नोक आएगी तो सामने से दिखेगा। यहाँ पे पूरी फिनिशिंग के साथ पूरा ये हमें एक ही टेप में करना है इसको। तो हमने ले ली, बहुत बड़ी नहीं, वो देख लेंगे कितना छोटा है कितना बड़ा है। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा राउंडिंग है, तो हम इसको ज्यादा राउंडिंग में करेंगे। ये देखिए जितना इसमें राउंड था उतना ही मैंने किया। अब मैंने लगाया, देखो इसमें भी प्रॉपर 1 mm का गैप आया है, जिस आगे से जिस तरीके से हम फिनिशिंग लगाते जा रहे थे ना, सेम वैसे ही आया है। और एक दूसरे में हम ओवरलैप कर देंगे इस तरीके से। देखिए फिनिशिंग देखिए, और ये फिनिशिंग एक साथ ही नहीं आ जाएगी, अगर आप नए हैं तो धीरे 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 आएगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, 10 बार प्रैक्टिस करेंगे आ ही जाएगी। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ज्यादा राउंडिंग नहीं है, तो हल्का सा इस तरीके से हमने लगाया और इसमें हो गया। अब आप फिनिशिंग देखिए पूरी, टेप की फिनिशिंग, और ये हेयर पैच है। और जब इसको हमें लगाना हुआ तो अब ये हमारी ना आराम से निकल जाएगी। देखिए आराम से हमने टेप निकाल दी और बिल्कुल तब भी फिनिशिंग के साथ है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम खुद ही यूज करेंगे। तो फ्रंट का हमें पोर्शन पकड़ना है, और आपको अपने 4 फिंगर पे, किसी का 3.5 फिंगर पे होता है मथा, किसी का छोटा होता है, कुछ किसी का बड़ा होता है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते आप देख लीजिए कहाँ पे किस पॉइंट पे हमारा लग रहा है, तो आगे का जो है ना इस हिसाब से पकड़ेंगे और धीरे धीरे लगा लेंगे। ये हम बता रहे हैं आपको डमी में। तो अब इसको कैसे लगाना है, डमी पे लगा के दिखाते हैं। ये फ्रंट आपने लिया, ठीक है, इसका मैंने 4 फिंगर, वो भी जो हमारी आईलेसिस होती है ना बबरे से, ये क्या तो बोलते हैं इनको, आईब्रो से 4 फिंगर लेके, जैसे मैंने ये 4 फिंगर पे यहाँ पे एक पॉइंट हल्का सा बनाया है, और इस तरीके से आगे का पोर्शन पे हमें फोकस रखना है, पीछे अपने आप चला जाएगा। देखिए इस तरीके से इसे हम ये लगा देंगे और लास्ट में देखिए इस तरीके से लग गया है। फिर जो अगर आपके बाल थोड़े से सूखे ना, तो उनको हल्का सा फव्वारा से पानी लगा के और अपना लुक बना लीजिए। अब हम इसको कॉम करेंगे। कॉम करने का मतलब है पूरे बालों को सुलझा देना। आप मोटी जो मोटे दांतों वाली है ना, वो कॉम लेना, इससे कह रहे हैं कि बाल टूटेंगे नहीं ज्यादा। ये हमने लिया, और जहां से आपको मांग निकालना है उस तरफ से आप मांग निकाल लीजिए और प्रॉपर लुक बना देंगे। बेसिकली आज मैंने बस ये बताया था कि हेयर पैच में टेप कैसे लगाते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं भी आया हो तो आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई तो हमें जरूर पूछें। थैंक यू सो मच।